के साथ। अस्सी घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के तहत 3 दिवसीय लोक रंग के विविध रंग से काशीवासी रूबरू हुए। इस कार्यक्रम में देश भर के 490 कलाकारों ने नृत्यों की प्रस्तुति देने और भारत की विविधताओं से लोगों को अवगत भी कराया। बुधवार को पहले दिन शहर भर के लोक कलाकारों ने घूम घूम कर पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान घाटों पर लोगों का देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। नाचते गाते कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ 80 घाट पर मनमोहक छटा बिखेरे। 80 घाट पर कार्यक्रम की शुरुआत पांडुचेरी के कलियट्टम से हुई। नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने महाकाली का रूप धर अपने रौद्र रूप में आकर राक्षसों का संहार किया, तो वहीं कलाकारों की भाव भंगिमा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। महाकाली का रूप धर कर कलाकार जब राक्षस का वध किया गया तो लोगों ने हर हर महादेव और तालियों से कलाकारों का स्वागत किया। दूसरी प्रस्तुति में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के कलाकारों ने रास नृत्य किया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का अन्य पिंकू और लद्दाख के सतबल्ला नृत्य ने बनारस के लोगों को हिमालय संस्कृति के लोक कला से परिचित कराया। इस दौरान प्रोफेसर सुरेश शर्मा, लोकेश त्रिवेदी सहित काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। ये लोक रंग उत्सव है, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं वहाँ से ये सारे कलाकार जो फोक परफॉर्मर हैं, लोक नृतक हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। लगभग 490 हम टोटल कलाकारों को लेके आए हैं। लेकिन ये था कि पूर्व में ये बात थी कि जो दो मंच होंगे, एक मंच 80 घाट होगा, दूसरा राजेंद्र प्रसाद घाट, या फिर जो अंदर जो कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ है वहाँ पे जो चबूतरा बना है वहाँ पे, लेकिन किन्हीं कारणों से दूसरा मंच नहीं हो पाया, शायद अनुमति नहीं मिल पाई स्थानीय प्रशासन से, हमारे यूपी के जो कल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको, तो इसलिए एक ही मंच है। हमारे पास जो कलाकार आए थे वो दो मंच के हिसाब से, तो इस हिसाब से हम आप अपने इस टीम को डिवाइड कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे सुखद बात ये है कि आज अगर हम पूरे ये 3 दिन देखें तो एक पूरे बनारस को, पूरे काशी नगरी को एक मिनी भारतवर्ष जो है देखने को मिलेगा। सच के साथ।